हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स चैंपियंस लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से वोल्सबर्ग वुमेन और अर्सेनल वुमेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से भी देखना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस वोल्सबर्ग जर्मनी बुंदेसलीगा में फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट पोजीशन पर, वहीं पर बात करें अर्सेनल इंग्लैंड की टीम है और ये प्रीमियर लीग में फिलहाल टाइम पर सेकंड पोजीशन पर है। तो गाइस दोनों टीमें अपने अपने लीग की टॉप बेस्ट टीम है, तभी तो ये यूएफए चैंपियनशिप लीग खेल रही है। तो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए वोल्सबर्ग वुमेन को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अर्सेनल वुमेन के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन इस टीम के सामने जल्दी से मैच को लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट पांच हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से वोल्सबर्ग ने इस टीम के सामने चार मैच विन किए, एक मैच ड्रॉ खेला, अभी तक लॉस नहीं किया, अटैकिंग वाइज टू गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.4 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी वोल्सबर्ग इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी इस टीम के सामने पर मैच में दो या तीन गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंसिव इस टीम के सामने जल्दी स्कोर कंसीड नहीं करती। आप मान सकते हो इस टीम के सामने पिछले पांच मैच में सिर्फ दो ही गोल कंसीड किए हैं। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वोल्सबर्ग अटैक से लेकर डिफेंस तक काफी शानदार देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं वोल्सबर्ग को ही एक फेवरेट टीम मानते चलता हूं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को इन दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने उस मैच में एक गोल किया, लेकिन डिफेंस से भी दोनों टीमों ने एक गोल कंसीड किया। लेकिन उससे पिछले जितने भी मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए वो सारे के सारे वोल्सबर्ग ने इस टीम के सामने विन किए हैं। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल किया, लेकिन डिफेंस इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक वोल्सबर्ग का इस टीम के सामने काफी शानदार है। तो इसीलिए मैं इस टीम को फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। अब बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस वोल्सबर्ग ने करंटली खेले हैं छह मैच, जिनमें से पांच मैच विन करें, एक मैच ड्रॉ खेला, लॉस अभी तक किया नहीं है। अटैकिंग वाइज 3.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो दो और कभी कभी ये टीम पर मैच में तीन या चार पांच गोल तक भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंसिव टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में गोल कंसीड करती, वरना हल्की टीम के सामने टीम गोल कंसीड भी नहीं करती। तो परफॉर्मेंस इस टीम का रिसेंटली भी काफी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच फ्रैंकफर्ट के सामने टीम 4-1 से मैच को विन करके आ रही है, और उससे मुकाबला अर्सेनल के सामने ही टीम अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेली, और उससे पिछले जितने भी मैच इस टीम ने खेले सारे मैच इस टीम ने विन किए। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम दो और कभी कभी तीन चार गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं पर मैच में एक गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस अब बात आती है अर्सेनल वुमेन का जो करंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस अर्सेनल वुमेन ने करंटली खेले हैं छह मैच, जिनमें से पांच विन किए हैं, एक ड्रॉ खेला है, लॉस इस टीम ने अभी तक नहीं किया। अटैकिंग वाइज 3.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम भी प्रत्येक मैच में कम से कम तो दो और कभी कभी ये टीम पर मैच में तीन या चार गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंसिव ये टीम भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, प्रत्येक दो मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस इस टीम का भी काफी शानदार है रिसेंटली अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल वोल्सबर्ग के सामने ही 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला, और उससे पिछले जितने भी मैच इस टीम ने प्रीमियर लीग में खेले सारे मैच में विन किया है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने प्रत्येक मैच में कम से कम दो और कभी कभी तो चार पांच गोल भी स्कोर आराम से कर देती है। तो इस टीम का भी रिसेंट फॉर्म काफी शानदार है। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों का हमने हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों हमने रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो दोनों टीमें अपनी अपनी लीग की टॉप बेस्ट टीमें फिलहाल के टाइम पर ही, तो यहां पर तो इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। लेकिन हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वोल्सबर्ग जब भी इस टीम के सामने मैच खेली या तो मैच को विन किया है या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन इस टीम के सामने मैच को लॉस नहीं किया। तो इसीलिए यहां पर भी वोल्सबर्ग का ही बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वोल्सबर्ग का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली वो काफी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक, और अर्सेनल का भी अपने लीग में काफी शानदार परफॉर्मेंस है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइस दोनों टीमें कहीं ना कहीं इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है
तीनों फॉर्मेट में इन दोनों टीमों का। तो गाइस फाइनली अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि इस मैच में कम से कम वोल्फ्सबर्ग इस मैच में दो गोल तो कर ही देगी। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और होम ग्राउंड में जब भी वोल्फ्सबर्ग इस टीम के सामने मैच खेलती है मैच को विन भी करती है और इस टीम के सामने गोल भी करती है, और डिफेंस कहीं ना कहीं इस टीम के सामने एक गोल कंसीड कर सकती है। तो इसलिए मैंने अपना इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखा है 2-1, और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे वोल्फ्सबर्ग के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे अर्सेनल वुमेन के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं वोल्फ्सबर्ग के प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस YouTube चैनल पर लाते रहता हूं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, तो अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम नजर डालते हैं सबसे पहले वोल्फ्सबर्ग के प्लेयर्स के बारे में। यूएफए चैंपियनशिप लीग में वोल्फ्सबर्ग टीम तरह जो हाईएस्ट गोल टेकर यहां से वासमोथ, जिसने इस टीम के लिए 9 गोल किए हैं, और जर्मन बुंदेसलीगा में भी ये इस टीम की तरफ से सेकंड बेस्ट प्लेयर है। तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना। और खुद इस टीम की तरफ से 3 गोल निकाल चुके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जिल रोड जो कि ये इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है, इसने जर्मनी बुंदेसलीगा में सबसे ज्यादा गोल इस टीम के लिए इसी ने किए। तो यहां से जो तीनों प्लेयर है ना, तो इन तीन प्लेयर को आप हम टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, इवा पजोर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देते हैं और कभी कभी तो असिस्ट पोटेंशियल भी और गोल पोटेंशियल भी हाई रखते हैं। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं हम असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो सवेंजर हथ जो कि असिस्ट और गोल दोनों में कंट्रीब्यूट है, और लेना जिसने 3 असिस्ट निकाले हैं, और यहां से तोरीद है जिसने 3 असिस्ट निकाले, बाकी जितने और प्लेयर्स उन सभी ने भी एक एक असिस्ट निकाला हुआ। तो इनका भी आप अपनी टीम में स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मैं आपके लिए टिक कर रहा हूं, और उन्हें आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करके चल सकते हो। ओके, तो बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं हम अर्सेनल वुमेन के प्लेयर्स के बारे में। यूएफए चैंपियनशिप लीग में अर्सेनल की तरफ जो फिलहाल टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर यहां से मिदेमा, जिसने 7 गोल निकाले हैं, और किम लिटिल जिसने 4 गोल निकाले, लेकिन 4 के 4 गोल इसने पेनल्टी में किए। तो यहां से यह पता चलता है कि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है। और निकिता पैरिस जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल निकाल चुके, और यहां से बाकी माना भी है 3 गोल निकाल चुके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आप सामने रिकॉर्ड है, इनका भी आप टीम में स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है टॉप 4 को आप हम टीम में ट्राई करके चलना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो यहां से बेतानी माइट जिसने 3 असिस्ट किए हैं, और यहां से काटली है जिसने 2 असिस्ट किए हैं, और यहां से टॉबिन हीथ जिसने 2 असिस्ट निकाले, बाकी के जितने और प्लेयर्स उन सभी ने भी एक एक असिस्ट निकाला हुआ। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं आपको फिर से टिक कर देता हूं, और उनको आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है अब इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम 11 पर। तो हम सीधे नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। हाँ दोस्त, आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की टीम पर। तो गाइस गोलकीपर में अगर बात की जाए तो फर्स्ट चॉइस आपको यहां से अर्सेनल वुमेन की रखनी चाहिए, क्योंकि अर्सेनल जब भी इस टीम के सामने मैच खेलती है तो गोल ज्यादा कंसीड करती है, और कहीं ना कहीं गोल सेव करने का चांस यहां पर आपको जिन्सबर्ग का देखने को मिलेगा। तो इनको मैं इसलिए प्रेफरेंस दूंगा फर्स्ट चॉइस। ओके, बात करें यहां से मिडफील्ड में, तो यहां से आपके सामने डी जेंसन है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखती है, तो इनको भी टीम में ट्राई करना। कास्टली जो कि इतने भी असिस्ट निकाले हैं 3 असिस्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, तो इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। आपके सामने यहाँ से हैंड्रिक है जिसने इसने 2 असिस्ट मतलब 2 गोल निकाले, असिस्ट 1 भी निकाला हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर यहाँ से आपको एफ राउच देखने को मिले तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल काफी है, जर्मन बुंदेसलीगा में इसने 7 असिस्ट निकाले हुए हैं, तो इनको एक लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इसलिए मैं फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ से एफ राउच को दूंगा, और यहाँ से हैंड्रिक को अभी के लिए ड्रॉप कर चलूंगा। ओके, बात करें मिडफील्ड में, यहाँ से फर्स्ट चॉइस रहेगी मेरी यहाँ से हत रहेगी, और यहाँ से जिली रूड रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है जो अपनी टीम के लिए तरफ से असिस्ट प्लस गोल दोनों में कंट्रीब्यूट रहता है, तो इन दोनों प्लेयर को मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूंगा। और यहाँ से ओवर ड्रॉप है जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से आपके सामने और प्लेयर्स भी हैं लेकिन इनको मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनका खेलने का चांस ज्यादा है नहीं। ओके, तो इनको ड्रॉप ही करना है। बाकी यहाँ से ऊपर से जो और प्लेयर है मैं जो फर्स्ट चॉइस दूंगा वो बी माइट रहेगी, क्योंकि अर्सेनल तरफ से ये वुमेन चैंपियनशिप लीग में नहीं लेकिन प्रीमियर लीग में ये सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है, तो इनको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। ओके, तो बात करें सेंटर फॉरवर्ड में, तो यहां से वासमोथ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहनी चाहिए, आपको फर्स्ट चॉइस माननी चाहिए, और यहां से मिदेमा जो कि अर्सेनल की तरफ से फिलहाल टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर है, तो इन दो प्लेयर को हम ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आ गई थोड़ी सी क्रेडिट की प्रॉब्लम, अब क्रेडिट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करें, इसका जो सॉल्यूशन है वो आफ्टर लाइनअप है, क्योंकि लाइनअप आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं उनमें से कहीं ना कहीं कोई एक दो प्लेयर बेंच पर चले जाते हैं, और बेंच पर जो चले जाते हैं फिर हमें टीम बनाने आसानी होती है। तो अभी के लिए हम एज ए
एमी प्लेयर पिक करते हैं जिनका खेलने का चांस भी नहीं रहता हो, ओके। तो यहाँ से हम विलमस को पिक कर चलें, लेकिन यहाँ से जो अदर चॉइस है आपके सामने वो टी हीट भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, और यहाँ से ब्रेमर जो कि ये इसको तभी ट्राई करना जब आप ग्रैंड लीग में एक दो गोल्स भर के और फेवर कर रहे हो, ओके। तो उस कंडीशन में इसका एक गोल आ सकता है, ओके। तो इनको मतलब ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बाकी मैं किसी प्लेयर को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, ओके। बात करें कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की, तो मेरी कैप्टन रहेगी यहाँ से जिल रोड, ओके। वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैं बनाना चाहूँगा बी माइड, या आप रख सकते हो वासमूथ। वासमूथ को इसलिए क्योंकि ये इस टीम तरफ से सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। ओवरड्रॉफ को आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि जनता इसी के साथ जा रही है, लेकिन हम यहाँ से वासमूथ को रखेंगे। तो इस तरह की मेरी टीम है अभी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हम अपने लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको टॉप के कमेंट में डाल दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। लेकिन अदर चॉइस आपके सामने हो और ओवर ड्रॉफ जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और फिर आपके सामने एक चॉइस आएगी मिदेमा, ओके। फिर यहाँ से बी मेड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो ये आपकी चॉइस है। अगर ये एज ए सेंटर फॉरवर्ड में से किसी एक प्लेयर को खेलने को देख मिला ना, तो उसी को टीम का कैप्टन बना सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मेरी अभी के लिए टीम है। जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते होना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए टेक केयर।